नमस्कार, डेली डाइट न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के 16 दिन बाद पहली कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने 9 बड़े फैसले लिए। सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि रामनवमी के अवसर पे जनता के लिए 9 बड़ी राहतें लाई गई हैं। पहला फैसला ये रहा कि 2,15,00,000 किसानों का 1,00,000 तक का कर्ज माफ होगा। वहीं 5,000 गेहूँ खरीद के केंद्र बनाए जाएंगे। तो तीसरे फैसले में MSP के साथ अब ढुलाई का खर्च भी लगेगा। वहीं चौथे फैसले में बड़ा विवादित मुद्दा जो इस समय चल रहा है, एंटी रोमियो दल से छेड़खानी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसमें यह फैसला लिया गया है कि सहमति से बैठे लोगों को नहीं परेशान किया जाएगा। वहीं पांचवें फैसले में किसानों को राहत दी जाएगी, जहां आलू फसल के लेकर समस्या को 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। वहीं नई उद्योग नीति लाएगी योगी सरकार, जिसमें उद्योग और धंधे पे डिप्टी CM महेश शर्मा खुद अध्यक्षता करते हुए फैसले लेंगे। वहीं अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आठवें फैसले में अवैध बूचड़खाने नहीं चलेंगे। इस पे योगी सरकार का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट और NGT के दिशा निर्देशों को फॉलो करेंगे। वहीं गाजीपुर को सौगात देते हुए वहाँ पे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को मंजूरी दी गई है।